वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ जेआरएमएस। आज हम विशेष एक पोएम के बारे में देखेंगे और मैं आपको निश्चय दिलाता हूँ, इस पोएम एक बार अगर आप देख लेंगे, आप 100% जो भी सवाल आएंगे सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस शर्त इतना है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर प्रयास करिए और इसे पूरा देखिए। इसे जब देखेंगे बोर्ड के एग्जाम में, कहीं से भी यहाँ सवाल आएगा, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी के साथ आप पूरा जवाब करके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पोएम, टाइगर इन द जू। जब ये टाइटल देखते हैं तब आपको महसूस होता है, मैं उम्मीद करता हूँ जू में आप लोग गए ही होंगे, टाइगर ना भी देखे होंगे लेकिन बहुत चीज़ें देख लेंगे, जू जरूर देखे होंगे आप लोग। ये टाइगर इन द जू, ये जो स्टोरी है, पोएम जो लिखे हैं, पोइट लिखे हैं उनका नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। एक उन्हें है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, उन्होंने जो यहाँ पोएम लिखते हैं, हालांकि जू में आप देखें टाइगर्स और लतें कभी कोई बयान नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बारीकी से उनकी बातों को, उनके दुख को, उनको पीड़ा को समझ करके इसमें पोएम के तौर पे ढालते हैं। उनका कार्यकाल, उनका समय जो था 1921 से 2006 तक, उनकी जीवनी, बिफोर यू एंटर द पोएम यू कैन लर्न लिटिल विट देयर लाइफ। जॉर्ज लेस्ली वॉरिस वॉज बोर्न इन मार्थर टाइडफिल साउथ वेल्स। हिज फादर जॉर्ज वॉज ए टॉल एथलेटिक मैन लैकिंग एजुकेशन बिकॉज ही हैड टू फाइट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहला विश्व युद्ध जब हुआ था वहाँ पे उनके पापा भाग लिए थे और इसी वजह से उनके पढ़ाई में कमी रह गई। लेस्ली हैड टू ए चीयरफुल चाइल्डहुड, बहुत खुशी के साथ उनका चाइल्डहुड बचपना आया गुजरा। व्हेन लेस्ली वाज 19 इयर्स ओल्ड ही जॉइन द रॉयल एयर फोर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व में उन्होंने ज्वाइन किए थे 19 साल में, कहाँ ज्वाइन किए थे, फोर्स, रॉयल एयर फोर्स में। When Leslie was a teenager, he sent his first poem to Vernon Watkins, who found his poem not very profound. हालांकि उन्होंने जब टीनेजर में जब थे तब उन्होंने पोएम लिखे थे, लेकिन वो ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, but gave him some advice. This had a main influence on his writing. और वहीं से एक उनको एक एडवाइस, सलाह मिल गया और वहीं से उन्हें एक प्रेरणा भी मिलता है। Writing style of years. In his free time, he wrote poem and earned his money by being an unofficial worker for the local government. Then he worked as a teacher and rose to a headmaster, finally to a college lecturer. हालांकि वो काम करते समय जब कभी खाली समय मिलता था वो पोएम लिखा करते थे, और उन्होंने मास्टर बन गए, उसके बाद हेडमास्टर बन गए, उसके बाद फाइनली टू द कॉलेज लेक्चरर, फिर उसके कॉलेज लेक्चरर बने। Later in 1974, at the urging of his wife Kitty, he started his career as a professional writer of poem. उनके पत्नी के कहने का था, उनके जो पत्नी बार बार बोले तो प्रोफेशनल पूरी तौर से पोएम में एक पोइट के तौर पे, मतलब प्रोफेशनल पोइट बन गए, वो पोएम लिखने में शामिल हो गए। जब उन्होंने पढ़ाई भी करते, हम लोग काफ़ी बार क्या करते हैं, हम अपना समय बेकार करते हैं, पढ़ते समय हम सोचते केवल पढ़ना ही है, लेकिन पढ़ते समय भी उन्होंने इस तरह मेहनत की है, लिखते गए, पहला सही नहीं हुआ लेकिन उसके बाद लिखते गए, तो आज बहुत एक प्रसिद्ध पोइट के तौर पर जाने जाते हैं। दिस इज जू वेयर टाइगर इज टू स्टे। यहाँ जो जू में देख रहे हैं कैसे टाइगर लोग को रखा जाता है, हालांकि हमारे देश में आज टाइगर की संख्या घटती जा रही है, इसको बचाना भी है, इसकी जो सुरक्षा, सेफ टाइगर करके कई प्रकार का प्रोपोगंडा भी आप सुने होंगे, मुहिम चलाते हैं, और बहुत जरूरी टाइगर भी होना, क्यों टाइगर होना जरूरी है आगे हम पोएम में देखेंगे।
लेसन नोन इज एक्सपेरियन द टॉर्चर एंड हेल्पलेसनेस ऑफ ए कैग्ड टाइगर दैट लाई लिव्स इन ए जू. बिकॉज नो वेन टाइगर दे केप्ट इन जू और दे केप्ट इन केग, वॉट इज देयर लाइफ, हाउ देयर लाइफ. टाइगर क्या है, खुली जगह रहना चाहिए. यहाँ पर पोएट क्या करते हैं, टाइगर के बारे में उनका दुख को, उनको प्रेरणा को, उनके एगोनी को पेश करते हैं इस पोएम के जरिए से, वो बताना चाहते हैं. सो ही दैट द पोएट एक्सप्लेन व्हाट इज हिज लाइफ टाइम कुड बी इन ए ही इन ए इफ ही हैड बीन ए फ्री एनिमल. द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ क्रिएचर दैट हैर कैक्ड बाय ह्यूमन बींग फॉर देयर ओन फन. बिकॉज नो वेन वी आर कीपिंग दैम इन केग दैट टाइम वॉट हैपन, टाइगर क्या है अंदर रहता, अगर काश वो बात कर पाता तो अपना दुख को बता सकता था. अब बहुत अच्छा समय है जो लॉकडाउन का समय, अब महसूस किए भी होंगे, हालांकि हमें तो छूट मिलता है थोड़ा बहुत, पर जरा सोच के देखिए जब हम बंद कमरे में रह जाते हैं, जब हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में रहते हैं, तो कितना बहुत अनिजी महसूस होता है. और टाइगर जैसे जेल में रखा जाता है बंदी लोग को, कैदी लोग को, उसी तरह इनको बांध के रखा जाता है. बांध के मतलब कैद के अंदर कैद करके रखा जाता है, और उसको आप पूछेंगे अगर बयान कर पाता तो अपने दुख को बता सकता था. इंसान क्यों रखता है, अपने फन के लिए रख रहा है. सो दिस थिंग हिज पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड गिव ए मैसेज टू द वर्ल्ड. हियर सम ऑफ द थिंग्स वी कैन लर्न थ्रू दिस पोएम. बिफोर वी एंटर दिस पोएम, नोट इट डाउन द पॉइंट व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न. वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम. आज़ादी क्या होती है, आप कभी महसूस नहीं हो, आप पूरा स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, आप पूरा आज़ादी जीवन जी रहे हैं. स्वतंत्रता क्या होता है शायद आप महसूस नहीं कर पाते होंगे, पर आप टाइगर जो कैद में हैं उन लोग पूछेंगे ना, जरूर बता पाएंगे. तो इस चीज़ों को हम इस पोएम में सीखेंगे. वी विल अंडरस्टैंड द डेंजर ऑफ डीफॉरेस्टेशन एंड ब्लेसिंग ऑफ फॉरेस्टेशन. हम लोग जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगल रेगिस्तान बदल जा रहा है, किस तरह काट करके बनाया जा रहा है मकान, बिल्डिंग का, कॉरपोरेट का, बहुत सारे उद्योग सब बसा रहे हैं, ब्लेसिंग ऑफ फॉरेस्टेशन. और फॉरेस्टेशन का जो फॉरेस्ट है वहाँ का क्या हमको मिल पाता है, क्या फायदा होता है, क्या हमें ब्लेसिंग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पोएम से सीखने वाले हैं, सीखना चाहिए. वी विल लर्न दैट ऑल एनिमल विल बी हैप्पी ओनली इन देयर नेचुरल हैबिटेट. और क्या सीखेंगे हम लोग, जो जितने एनिमल पाए जाते हैं उनको नेचुरल जो कुदरत ने दिया हुआ है उनके लिए, जब वो रहेंगे वहाँ पे तभी उन्हें क्या होता है, खुशी मिलती है. हम अगर बांध कर, हम अपने फन के लिए अपने के लिए बांध के रख लेते हैं, पर ऐसा जब करते हैं कि वास्तव में उन लोग को खुशी मिलती है, कि वास्तव में उन लोग खुश हैं हमारे साथ. हम लोग बहुत कुछ कर देते हैं, जैसे हम लोग बांध के रख लें, बहुत खाना पीना सब कुछ खिलाएं, क्या इसके बावजूद वो खुश होंगे, नहीं. उनको नेचुरल हैबिटेट में जित रहकर जितना खुशी होगी, हम लोग जितना उसकी फैसिलिटी दे दे नहीं खुश हो पाएंगे. नेक्स्ट, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट जनरेशन इन प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट एंड अर्थ. इससे हम सीखेंगे आज इस पॉइंट जरिए से कि आज की जो जनरेशन, आज की जो पीढ़ी है, हमें कैसे हमारे जलवायु को, हमारी पृथ्वी को बचाना है. आए दिन हम कैसे हम लोग अपने वातावरण को अशुद्ध कर देते हैं, वातावरण को डिफाइल करते हैं, एनवायरनमेंट को हम साफ सुथरा रख नहीं पाते हैं, कहीं भी कागज कूड़ा पॉलीथीन बहुत सारी चीज़ें हम फेंक देते हैं, एक पौधे लगाने में तकलीफ होती है. आप अगर सोचेंगे आपके जीवन काल में कितने पौधे लगाए हैं, कभी आप सोचे हैं कितने पेड़ उगाए हैं, आप सोच के देखिएगा. जब तक हम लोग ये सब नहीं करेंगे तब हमारा एनवायरनमेंट कैसे रह पाएगा. इसलिए आज हम इस पोएम से इन तमाम बातों को सीखेंगे. ए टाइगर इन द जू, सभी इसे ध्यान से देखेंगे. स्टांजा फर्स्ट, हम पोएम का शुरुआत करते हैं. पहला स्टांजा में जो है, पहला स्टांजा जो है, इसमें 5 स्टांजास हैं एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. यू हैव टू Keep on seeing, then you will understand the
इंटरेस्टिंग पोएम व्हाट ही एक्सप्लेन व्हाट द मीनिंग एंड व्हाट मैसेज फॉर अस, क्या मैसेज हमारे लिए संदेश है, जिस तरह मैंने कहा कई बातों को हम सीखेंगे आज। साझा पहले में लिखा गया, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केग ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेट इन हिज क्वेट रेज। वो क्या करता है, लेट मी शो यू द मीनिंग, दिस द स्ट्राइक स्ट्राइप्स, ये स्ट्राइप्स है, जो स्ट्राइप्स आप देख रहे हैं, जो लकीरें होते हैं, द ऑन दिस इज पैड्स, लेट मी शो द मीनिंग। वेलवेट मीन्स फ्लैनेल, फ्लैनेल, वेलवेट आप देखे होंगे मखबल का होता है, जो तो रुएंदार होते हैं, जो एक ये वेलवेट कहते हैं, और इसको ये पैड है, इसमें वेलवेट टाइप का होता है, उसको वेलवेट मीनिंग दिया गया है। एंड विविड स्ट्राइप, विविड स्ट्राइप मतलब विभिन्न कलरफुल जो होते हैं, विविड मान विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो कलरफुल होता है, स्ट्राइप मतलब जो लकीरें होते हैं, इसमें जो लकीर दिया ट्राइब्स होते हैं। एंड स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब फॉलोस, फॉलोस मैंने उसको फॉलो करता है, उसका अनुवाई उसको फॉलो कर रहा है, उसके स्ट्राइप्स को क्या कर रहा है, हिट स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। और किससे बात है, किस किस तरह बात करता है, अपने स्ट्राइप से, अपने लकीरें जो हैं, अपने जो रंग बिरंग है, अपना जो कलर है, उससे उससे हम क्या करते, बातें करता है। द फ्यू स्टेप हिज केक, थोड़ा सा मूव करता है केक में, ज़्यादा दूर जा नहीं पाए, कितना स्टेप जाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेट, और कौन सा किससे जाता है, किससे चलता है, पैड, पैड मतलब जो उसका जो पैर के नीचे हिस्सा है, सबके पास हमारे जो पाँव के नीचे जो हिस्सा होता है उसी हिसाब कहते हैं पैड्स, पॉस ना ऑफ टाइगर, इसी हिसाब को इसी के सहारे से चलता है, थोड़ा सा मूव करता है। इन हिज क्वेट रेज, क्या होता है, गुस्सा होता है, एंगर, रेज मतलब एंगर, फ्यूरियस, उससे थोड़ा सा मूव करता है। आप देखेंगे जू में टाइगर क्या होता है, इधर उधर मूव करता है, थोड़ा सा गुस्सा करके, हम क्या कैसे देखते हैं उसके इस तरह के चित्र से, जो स्ट्राइप्स हैं उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। द टाइगर मूव्स अप और डाउन ऑफ हिज केग, द स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी आर द स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर, द टाइगर मूव्स क्वेटली ऑन हिज वेलवेट पैड्स, ही इज फुल ऑफ रेज बट इज क्वेट बिकॉज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस हेयर, यू नो वेन ही इज देयर ही इज वेरी मच एंग्री, ही विल मूविंग हेयर एंड देयर मूविंग, यू माइट हैव गॉन टू जू देन श्योर यू हैव ऑब्जर्व। टाइगर क्या करता है, इधर से इधर मूव करता है, वही चीज को यहाँ पर पोएट कहता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड ट्राइब, वो क्या करता है, अपने लकीर जो अपने कलरफुल से पूरा इससे क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर से क्या करता है, हम बातें करता है, स्टॉक उससे मूव करता है, सॉरी स्टॉक मतलब मूव कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। और क्वाइटली हिज मूव्स, जब वो इधर उधर बढ़ चलता है, बिकॉज ही नोस दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो पिंजरा में बंद है, इसलिए क्या करता है, गुस्सा के साथ इधर खाली थोड़ा बहुत मूव करता है, बस इसलिए उसके अंदर गुस्सा से भरा हुआ है, पर चाहे तो क्या करेगा, वो कुछ करने के लिए उसके पास कोई ये नहीं है कि क्या कर सकता है। इसी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, और हम देखेंगे कि पोएट जो लिख रहा है, इट इज हियर देयर समथिंग इज ट्राइंग टू टेल यू, दैट इज द मैसेज, व्हेन समबडी इज अंडर केज देन हाउ हिज फीलिंग विल बी, दो इज एंग्री बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग, उसके पास गुस्सा है, गुस्सा हो रहा है, पर क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। सो हियर सम पोएटिक डिवाइस, लेट्स टुगेदर वी कैन सी एंड गो पोएटिक डिवाइस, हियर राइम स्कीम इज देयर, ए बी सी बी सी, ए बी सी अगेन दिस वन बी, सो राइम स्कीम इज बी ए बी सी बी। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, कौन सा डिवाइस यूज किया गया पर्सोनिफिकेशन के लिए, द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रेफर हिम एज ही के तौर पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेफर किया जाता है, ही करके एक एनिमल को ही करके रेफर किया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग इसको भी देख पा रहे हैं। सो पर्सोनिफिकेशन डिवाइस हैज बीन यूज, एंड मेटाफोर आल्सो देयर, मेटाफोर टाइगर पोस आर कंपेयर्ड विद वेलवेट पैड्स, जो मखबल से बना होता है ना उसके साथ तुलना किया गया है, मेटाफोर की यूज किया गया है इसमें, उसके साथ कंपेयर किया गया है। एंजमेंट भी है, एंजमेंट जो सेंटेंस इज कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, जो सेंटेंस मैंने पहले कहा था
बिना कुछ पंक्चुएशन मार्क से जो सेंटेंस शुरू होता है, शुरू कंटिन्यू होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इसमें जो लिखा है, इसमें पहला लाइन में देखेंगे स्ट्राइप, इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसमें आ जाता है, तो उससे क्या है, एंजमेंट को यूज किया गया है। इमेजरी मतलब पोएट ट्राई टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर। इमेजरी मतलब समझ के रखिएगा कि जब कभी किसी चीज़ों को विजुलाइज किया जाता है, ऐसे दृश्य बनाया जाता है कि एक मन एक वातावरण ऐसे बना, माहौल बना दिया जाती है कि ऐसे होना, उसी होना, डर का माहौल जैसे या हॉरर फिल्म जैसे बना, तो उस तरह का क्रिएट करते हैं, उसी तरह चीज़ों को इमेजरी कहते हैं। तो यहाँ भी क्या किया गया, यहाँ पे कहते हैं पोएट ट्राई टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर, ही स्टॉक्स हिज विविड स्ट्राइप्स, इस तरह का उन्होंने यूज करते हैं। एंड कॉन्सोनेंस का है इसमें, कॉन्सोनेंस मतलब यूज ऑफ एस साउंड, जो वावल का कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, उसको जहाँ पे एस का साउंड हुआ है, स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, इसमें देखें कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन है। आपको अगर मेरा पोएम के बारे में अगर पूरा डिवाइस को जानना है, मेरे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जरूर से जाकर पढ़िए, तो उसमें आपको पूरा जानकारी मिलेगा अबाउट पोएटिक डिवाइसेस। सो कॉन्सोनेंस इज देयर वेर एवर कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन सेम लाइन, देन दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। यस, यहाँ पे क्या हो रहा, रिपीट हो रहा है। स्टेप्स हियर स्टॉक्स विविड स्ट्राइप, इट नॉट नेसेसरी दैट कंटिन्यू इट विल बी नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, बट द सेम लाइन फॉलोज, देन इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। सो अगेन इफ यू सी अगेन सम मोर डिवाइसेस, एसोनेंस, एसोनेंस आल्सो सेम थिंग, वेयर एवर वाउल इज अनाउंस रिपीटेडली, देन दोस साउंड इज कॉल्ड, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एसोनेंस। जस्ट लाइक हियर रिटन इन हिज विविड स्ट्राइप, इन हिज विविड स्ट्राइप, आई का वाउल साउंड आई, इन हिज विविड स्ट्राइप हियर आई, हियर हियर आई आई, ऑलवेज वाउल्स आर यूज इन दिस लाइन थ्रू आउट हियर ऑल्सो। सो दिस आर द डिवाइसेस यूज इन फर्स्ट स्टांजा। सो नाउ सेकेंड स्टांजा विल फॉलो। ही शुड बी लोअरिंग इन शैडो, लोअरिंग मतलब जैसा छिप करके, जो शिकार करता है ना, शिकार करता है टाइगर छाया में, छिप करके शिकार करने के लिए बैठता है, उस तरह लोअरिंग कहते हैं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग क्या, धीरे धीरे मूव करना, धीरे धीरे जैसे लोमड़ी होता है ना, जैकल होता है, वो मूव करता है धीरे धीरे घास की तरफ से जा रहा है। नियर द वाटर होल, और पानी पीने के लिए होल, जहाँ पर पानी का होल रहता है उधर करीब जाता है, क्यों ना, बहुत सारी हिरने आती है, बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं वहाँ पे शिकार, मान पानी पीने के लिए, तो ऐसी जगह पे क्या करता है टाइगर, क्या करता है धीरे धीरे छिपे रहता है और वहाँ शिकार करने के लिए चाहता है। उसी चीज़ों को यहाँ पे पोइट लिखते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मतलब मोटा, जो मोटे तगड़े होते हैं, बड़ा सुस्त हुष्ट पुष्ट डियर होते हैं, हिरने होते हैं, उस जाते हैं पानी पीने के, तो उसमें क्या है ना, छिप के बैठते रहता था, वो अपने दिनों को याद कर रहे टाइगर, यहाँ पर अपने बातों को, पोइट यहाँ पर उनकी जो खुले जब फ्रीडम था उस समय की बातों को याद करते हैं। हियर लुकिंग एट द इम्प्रेशन टाइगर, द पोइट इज फील्ड विद पिटी, जब वो इम्प्रेशन टाइगर को देखता है तो वो सोचता है टाइगर अगर खुला में रहता तो क्या होता। ही सेज दैट द पुअर टाइगर शुड हैव बीन गिवन हिज नेचुरल हैबिटेट, देन एट हिज पॉइंट ऑफ द नाइट ही वुड हैव बीन लाइंग इन द शैडो ऑफ ट्रीज एंड स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, देयर नियर द वाटर होल ही वुड बी वेटिंग फॉर सम फैट डियर टू पास दैट वे, दस ही वुड बी लाइंग देयर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ हैवी फिश। पोइट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, पोइट यहाँ पर इमेजिन करता है क्या चीज, अगर ये खुला होता, अगर वो स्वतंत्र माने जंगल में होता, तो शाम के समय अंधेरा में क्या करता, छिप के बैठा होता,
कहाँ पे, जहाँ पर झरने होते हैं, जहाँ पर जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। और क्या करता है, मोटे मोटे जो हिरण होते हैं, जो अच्छे हृष्ट पुष्ट वाले हिरण आते हैं ना, शिकार करता, केवल उन्हीं को नहीं जंगली जानवरों को शिकार कर किया जाता। अब सभी जानते हैं टाइगर इस तरह छिप के बैठता है और कुछ भी जानवर था उनसे छोटे तो उनको दौड़ा के पकड़ता है, उस चीज़ों को यहाँ कहता है। अगर स्वतंत्र होता, अगर टाइगर अगर कैद नहीं होता तो ये सब उसके वो कर पाते, करके यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो द मीनिंग लर्निंग मोड टू बी हिडन एज टू वेट फॉर, किसी चीजों के लिए छिप के रहना, किसी शिकार करने के लिए। प्लम मतलब फैट, स्टट प्लम का मतलब है मोटापन, स्टट स्लाइडिंग मतलब धीरे धीरे मूव करना, धीरे धीरे मूव करना। एंड हियर सॉरी पोएटिक डिवाइस, हियर पोएटिक डिवाइस इज देयर राइम स्कीम द ए बी सी डी सेम थिंग, डब्ल्यू इज देयर ए बी सी बी ए बी सी बी सेम राइम स्कीम इधर लाइक फर्स्ट स्टंजा। और इसमें जो देखते हैं पोइटिक डिवाइस राइम स्कीम ए बी सी बी, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। और पोइटिक डिवाइस क्या है, एंजेमेंट यूज किया गया, मैंने पहले कहा एंजेमेंट उसको कहते हैं जहाँ पर विदाउट एनी यूजिंग पंक्चुएशन मार्क, जहाँ पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है और नेक्स्ट लाइन शुरू कर दी जाती है, ऐसे सेंटेंस को एंजेमेंट डिवाइस कहते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है, पंक्चुएशन मार्क, नेक्स्ट लाइन शुरू हो गया, तो देख इसको एंजेमेंट। नेक्स्ट डिवाइस विच यूज हियर एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज ऑफ साउंड पी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स प्लम्स पास, एलिट्रेशन क्या रिपीटेड वर्ड है जो एलिट्रेशन में रिपीट हो रहा है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है आवाज कॉन्सोनेंट के है, तो इसलिए प्लम एंड पास, सो दिस एलिट्रेशन। इमेजिनरी द सेम थिंग इज क्रिएटिंग द वन ऑफ द सीन हियर, पोइट इज ट्राई टू क्रिएट ए इमेजिन टाइगर्स एक्टिविटी, उनके बारे में बोल रहे हैं ना, अगर ये जंगल में होता तो ऐसी होता, छिप के बैठा होता, ये सारी चीजों एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दैट इज टाइप ऑफ लाइन व्हिच एक्सप्लेन दिस थिंग्स, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। सो थर्ड स्टांजा विल सी, थर्ड स्टांजा ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लोज टेररिंग द विलेज, कहते हैं अगर वो क्या करता है, ये तो ऐसी कर सकता था, टाइगर क्या पूरा स्टैंडलिंग अराउंड हाउस, टाइगर क्या करते देख सकते हैं आप, कैसे आवाज घूर रहा था वो अपना, वो स्टैंडलिंग वार्निंग साउंड जो घुराने वाला आवाज क्या करता, जब वो कैद में नहीं होता तो क्या कहता, पॉइंट उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। स्नार्लिंग मतलब क्या है, वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स, आप देखे होंगे जंगल में आवाज होता है, जो लोग जंगल के इलाके में रहते हैं वो आराम आसानी समझ सकता है, कई आवाज़ें आती जानवरों का, वो वार्निंग साउंड कहते हैं। बेयरिंग मतलब अनकवर्ड, बेयरिंग मतलब हम लोग बेयर फुट बोलते हैं ना, नंगे पांव चलना जो कुछ नहीं होता है, अनकवर्ड होता है। एंड फैंग्स मतलब लॉन्ग शार्प टीथ, फैंग्स मतलब लॉन्ग शार्प टीथ, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है लॉन्ग शार्प टीथ, उनके जो दो नोकीले दांत निकले रहते हैं उसे कहते हैं फेरिंग। हियर यू कैन सी हियर, सो पॉइंट इमेजिन व्हाट द टाइगर वुड बी डूइंग इन केस ऑफ फेल टू फाइंड एनी प्रे इन हिज नेचुरल हैबिटेट, पॉइंट इज इमेजिनिंग, पॉइंट क्या करता है इमेजिन करता है, अगर वो नेचुरल हैबिटेट अपने माने जो जंगल में होता तो अगर कुछ शिकार नहीं मिलता, कुछ उन्हें शिकार करने के लिए नहीं मिलता, क्या करता हो, क्या कर पाता था अगर फेल हो जाता शिकार करने में। ही सेज दैट द टाइगर वुड बी growling at the edge of jungle near some village, what happen if he do not get any spray, any animals he would have unable to hunt, if did not hunt anything then he would have go to jungle near to a jungle, mane pass village ke jata hai ki awaaz karta, gurane ki awaaz aata, he would be his white fangs
एंड क्लॉ वाइल मूविंग हेयर एंड देयर, और क्या करता है जो अपने दांतों खोल करके इधर उधर पूरा चलता इधर उधर टहलता गुस्सा से, ही वुड दस बिकम ए कर्स ऑफ टेरर ऑफ द विलेजर्स, और क्या करता है आवाज़ करके गांव वाले को पूरा डरा देता, गांव वाले को पूरा आवाज़ करता और गांव वाले को डरा मन अपने भय से उनको क्या करता है बांध लेता, भय से उनको डराता है और जिस तरह आवाज़ निकाल करके जो करता है टाइगर, ये क्या है ना जब शिकार नहीं मिलता अक्सर हो आप देखे होंगे बंदरों का भी देखे होंगे उन लोग भी क्या करते हैं जब खाना कमी हो जाता है किस तरह उन लोग गुस्सा आते हैं, और ऐसे बहुत सारे जानवरों को आप देखे होंगे। द पोएट्स हियर गिव्स ए हिंट दैट इफ वी डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर दे विल बी फोर्स टू टर्न टू आवर टाउन्स एंड विलेज टू फाइंड देयर फूड बिकॉज द बेरिंग व्हाइट फैंग्स इज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। क्यों कह रहे हैं पोएट यहाँ पर, क्यों कहते हैं, बिकॉज वैन यू कट डाउन जंगल्स फॉरेस्ट इफ यू डू द डिफॉरेस्टेशन, अगर जंगल काट लेते हैं हम अपने सुविधा के लिए लकड़ी ले आते हैं जंगल को पूरा साफ कर देते कारखाने बनाते, तो ऐसे अगर होगा तो क्या होगा ये जंगल से आ करके हमारे गाँव पर क्या कर डराएगा। आप जानते हैं आसाम तरफ भी कई जगह पर इस तरह टाइगर घर में चले जाते हैं, अभी भी आप देखेंगे चीता कई जगह घुस जाता है कंपनी मन में फैक्ट्री मन, आप देखेंगे बहुत सारे सुने होंगे नोएडा तरफ ऐसे कई बार हो जाता है। तो क्या होता है उद्योग बनते जा रहे हैं जंगल काटते जा रहे हैं तो क्या होता है इन लोग इधर आ जाएं फिर हम लोग डर के निकलेंगे नहीं बाहर, कोई है ऐसा जो टाइगर आके घुस गया आपके आस पड़ोस में आपकी गली मोहल्ले में आप निकलेंगे नहीं, एक भय हो जाता है। सो पॉइंट यू हियर टू ट्राई टू लेट यू अंडरस्टैंड दैट इफ वी डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट देन व्हाट विल हैपन, वी आर फोर्सिंग देम टू कम आउट, हम लोग जानवरों को फोर्स कर रहे हैं आप आ जाइए टाउन में विलेज में, दे विल फाइंड आउट देयर फूड बिकॉज जंगल वी आर डिस्ट्रॉइंग, हम लोग जंगल को काट डाल रहे हैं हम लोग उसे खत्म कर दे रहे हैं जिस वजह से वो खाना खोदने निकलाएंगे। आप जानते हैं जंगल जानवर जब आएंगे तो इंसान को भी छोड़ते नहीं है, इसलिए बुद्धिमान इसमें है वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट। एंड हियर सम द थिंग पोएटिक डिवाइसेस आर यूज राइम स्कीम इज द सेम थिंग ए बी सी बी बिफोर अज ऑल्सो सेम थिंग ए बी सी बी सेम लाइक सम फॉलोइंग द सेम राइम स्कीम इज फॉलोइंग हियर एंड एंजॉयमेंट इज यूज आई टोल्ड यू वेन एवर विदाउट पंक्चुएशन मार्क इज कंटिन्यू दैट फर्स्ट लाइन इज विदाउट पंक्चुएशन मार्क एंजॉयमेंट ऑनोमोर्फिया यूजिंग वर्ड्स व्हिच डिनोट साउंड स्नार्लिंग, इस तरह का शब्द जो यूज किया जाता है माने किस चीज़ों को दर्शा करके किस चीज़ों को माने इस तरह का वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं ऑनोमोर्फिया। इफ यू आर हैव यू वांट टू क्लियर अप योर डाउट प्लीज गो टू द पोएटिक डिवाइसेस व्हिच लिंक इज गिवन हियर कैन गो ऑन वॉच। एसोनेंस यूज ऑफ वाउल साउंड ओ आई, वाउल साउंड जहाँ पर यूज होता है जिस तरह ओ का आई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर बार बार किया गया है इस तरह का शब्द को हम एसोनेंस कहते हैं। एंड कॉन्सोनेंट सेम थिंग, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है हीज फैंग्स हीज क्लॉज दिस थिंग्स आर देयर दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट डिवाइसेस आल्सो यूज हियर। सो स्टैंजा थर्ड इफ एनी डाउट देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, विल गो टू द फोर्थ स्टैंजा। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन क्या करे वो कॉन्क्रीट सेल में क्या लॉक बंद है। His strength behind bars, उसका जितना ताकत जितना पावर है बार के अंदर ही है, बाहर तो आ नहीं पाए क्यों, हम लोग कॉन्क्रीट सेल में, हम लोग ऑर्डनरी सेल में नहीं रखे कॉन्क्रीट। आप जानते हैं जो ईट पत्थर से बनाकर मसाला देकर बनाते कॉन्क्रीट होता है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। सो हिज पावर इज बिहाइंड बार ओनली स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केक इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या कर रहा है इधर उधर घूम रहा है उसका लेंथ ऑफ केक जितना दूर उसका उसको फॉलो कर रहा है बस, कितना दूर जितना दूर का केक है जितना दूर से उसका फैला हुआ के उतनी देर फॉलो कर रहा है बस, विजिटर को भूल जा रहा है इग्नोर कर रहा है माने उसको पूरा नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि भाई उसका अपनी चिंता में है। टाइगर जब चिड़ियाखाना में रहता है या जू में रहता है आप देखे होंगे आप जाएंगे देखेंगे तो वो अपनी धुन में रहता है क्योंकि वो जो बंधन में जिस तरह उसने अपने धुन में हालांकि यहाँ इट इज स्लीप टेकिंग रेस्ट बट व्हेन मूविंग हियर एंड देयर द टाइम ही कुड सी टाइगर द पॉइंट सीज द टाइगर लैक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल इन द जू इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ ही नाउ लाइज इम्प्रेशन बिहाइंड द बार वेरी स्लोली एंड साइलेंटली ही मूव्स अप एंड डाउन अलोंग द लेंथ ऑफ द कैंक।
ही टेक्स नो नोट ऑफ द विजिटर हु कम टू द जू टू हैव ए लुक एट हिम। बहुत लोग देखने जाते हैं टाइगर को जू में, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जानता है उसका पूरा पावर है। आप जानते हैं टाइगर पर कितना पावर है, कितना शक्तिशाली है। आप भी महसूस कर किए होंगे कि हाउ ही इज पावरफुल, बट ही इज अनेबल बिकॉज इज ऑल द पावर इज इनसाइड द बार ओनली। केवल अंदर रहता है और वो कुछ कर नहीं पाता, चाह के भी कर नहीं पाता है, और उसके जो इधर उधर मूव करता है बस उससे अपना गुस्सा को ठंडा कर लेता है और अंदर ही रहता है। यहाँ पॉइंट्स उस सारी संदर्भ में एक्सप्लेन करते हैं, सम ऑफ द मीनिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड। कॉन्क्रीट मतलब मेटेरियल, रियल सॉलिड जो बने रहता है। कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट बालू से बनता है, उसको कॉन्क्रीट कहते हैं। स्टॉकिंग मतलब फॉलोइंग, मतलब किस तरह इधर उधर मूव कर रहा है, जितना देर फॉलो कर रहा है, जितना देर तक पिंजरा है उतना देर फॉलो कर रहा है। इग्नोरिंग मतलब पास ओवर विदाउट गिविंग ड्यू अटेंशन। इग्नोरिंग मतलब हम चलते हैं, किसी प्रकार का अटेंशन नहीं कर देते हैं, किसी व्यक्ति को ध्यान नहीं देते। जिस तरह कई बार होता है हम लोग जाते हैं, कुछ टीचर खड़े हैं, कोई सर खड़े हैं, तब नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको कहते हैं इग्नोरिंग। सो हियर व्हाट पंक्चुएशन मार्क इज यूज। डिवाइस राइम स्कीम इज सेम थिंग, ए बी सी बी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू फाइंड आउट। एंड पर्सोनिफिकेशन इज यूज हियर बिकॉज हियर इट इज प्रोनाउंस हिम एज शी, ही का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, हीज का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, हीज हियर आल्सो, हीज आल्सो, बिकॉज दो हीज एनिमल बट वी आर प्रोनाउंसिएशन इज देयर, ही आल्सो देयर, ही आल्सो, हीज आल्सो। उसका ताकत मैंने इस तरह का जो करते हैं ना, वो व्यक्ति मैंने पर्सोनिफिकेशन में इस तरह का वर्ड की हम लोग यूज करते हैं, कहते हैं पर्सोनिफिकेशन मैंने रूप दिया जा रहा है मानव के साथ, उसके साथ तुलना करके उसके साथ कहा जा रहा है, उसे कहा जा रहा है, स्वयं उसको कहा जा रहा है। एसोनेंस यूज अ वाउल साउंड, एसोनेंस भी इसमें यूज किया गया है। ही लुक्ड कॉन्क्रीट सेल एवरीवेयर, ई ओ ओ ई यूज कॉन्सोनेंट, एसोनेंस साउंड इज वाउल साउंड है, इसमें ये सारे में वाउल साउंड है। वाउल आप जानते हैं ए ई आई ओ यू, आप मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा, लेकिन वो सारे आवाज जहाँ पर आती है उसे एसोनेंस कहते हैं। कॉन्सोनेंस ऑल्सो यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, सेम थिंग। कॉन्सोनेंट साउंड आप जानते हैं जो 21 लेटर हैं इंग्लिश की, उसमें से जो साउंड कॉन्सोनेंट है उसकी आवाज़ जो आती है उसको कहते हैं कॉन्सोनेंस। एलिट्रेशन ऑल्सो यूज है बी एट द स्टार्ट ऑफ द टू वर्ड्स, बी जब हम शुरू में देखते हैं स्टार्ट ऑफ द टू वर्ड्स बी इट इज यूज। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट विल गो फोर्थ फिफ्थ स्टांजा, लास्ट स्टांजा दिस वन। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो क्या करता है अंतिम शब्द को भी सुन लेता है। अंतिम मतलब जैसा होता है ना, हम लोग रात भर रह गए फिर लास्ट में एक आवाज आता है उसको भी छोड़ता नहीं। द पेट्रोलिंग कार्स, जो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग मतलब पूरा घूमना और पेट्रोलिंग करते हैं, आप समझते हो इस वर्ड को, वेरी इजी टू यू मे बी इजी टू अंडरस्टैंड दिस वन। पेट्रोलिंग कार्स, वो उसकी भी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, वो क्या कहता है निहारता है अपने आंखों की चमक से, जो ब्रिलियंट आई से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो कि चमकने वाला तारे को भी वो क्या करता है घूरता है, निहारता है। द टाइगर नोस नो रेस्ट ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द विजिटर्स, इवन एट नाइट ही रिमेन्स डिस्टर्ब ड्यू टू द नॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। क्या करता है पूरा रात में भी, दिन में तो रेस्ट नहीं कर पाता है, रात में भी क्या होता है पेट्रोलिंग कार जो होते हैं ना जंगल में शिकार करने जाते हैं लोग और पूरा पेट्रोलिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसके भी क्या होता है ना उसको क्या होता है डिस्टर्ब हो जाता है। ही कीप्स स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार विथ हिज ब्रिलियंट आई, वो क्या करता है नक्षत्र तारे को देखते रहता है जो चमकते रहता है, उनका जो चमकने वाला आंखों से देखते रहता है। फिर आप ही आस्किंग हेवन व्हाई ही हैज बीन इम्प्रेशन देयर, हो सकता है वो ऐसे भी बात करता हो कि क्यों आप वहां पर क्या है कैद है, क्यों वहां पर कैद है। इज द टाइगर एंड सम ऑफ द मीनिंग। पेट्रोलिंग मतलब गो गार्ड टू विजिल, मन पेट्रोलिंग करते गार्ड करते हैं लोग रात के समय, सिटी बजा के पेट्रोलिंग करते हैं लोग। स्टेयर मतलब गेज गेज निहारना घूरना किसी को। हियर पोएटिक डिवाइसेस आर, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज, द सेम राइम स्कीम इज देयर, एंजॉयमेंट इज योर यूज हियर, लाइन थ्री कंटिन्यू टू लाइन फोर विदाउट एनी विदाउट एनी
पंक्चुएशन मार्क इज इट इज यूज तो दोस वर्ड्स आर कर एग्जाम एंजॉयमेंट दैट इज आई होप यू हैव ऑलरेडी गॉट द पॉइंट फॉर एंजॉयमेंट यू कैन इजिली फाइंड आउट फ्रॉम एनी पोएम पंक्चुएशन मार्क इज नॉट यूज दैट कैन कॉल एंजॉयमेंट एलिट्रेशन यूज ऑफ साउंड एच इन द स्टार्टिंग ऑफ टू वर्ड्स ही हियर्स ही हियर्स ही हियर्स दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन बार में तुरंत रिपीट होता है बार बार रिपीट हुआ एलिट्रेशन सो दिस आर द पोएम एंड दिस पोएम सॉरी दिस पोएम्स व्हेन टाइगर इन द जू एंड ही इज इन इम्प्रिजनमेंट व्हाट ही हिज पेन एगोनिंग दोस थिंग वी कुड सी हियर थ्रू दिस पॉइंट सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड तो क्या सारे पॉइंट जो हमें सीखने को मिलता है बिगिनिंग आई टोल्ड यू शुरू में कहा हमें क्या सीखना चाहिए इस पॉइंट से क्या सीखने को मिलेगा क्या समझने को मिलेगा और अभी हम कुछ पॉइंट को हम याद रखना है यहाँ तक फाइव स्टैंजा इज देयर एंड ऑलरेडी हैव लर्न इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज कमेंट मी श्योर आई विल गिव यू आंसर गिव यू रिप्लाई पॉइंट रिमेंबर इस पॉइंट में हमें याद करने की जरूरत है क्या चीज़ सीखना है मैंने पहले बताया अभी कुछ पॉइंट्स हैं उसको हमको रिमेंबर करना है उसको याद रखना है दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर व्हेन इट इज इन नेचुरल हैबिटेट एंड व्हेन इट इज इम्प्रिजन इन जेल यहाँ पर क्या करता है ना जब वो अपने आप में जैसे खुलेआम स्वतंत्र रहता है जंगल में तो उसका और एक कैद में रहने से क्या होता है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है ऑन ए स्टेरी नाइट द पोएट सीज ए टाइगर इन ए जू और एक रात के समय में पोएट क्या करता है देखता है टाइगर को जू में ए टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज और क्या देख रहा है टाइगर धीरे धीरे इधर अपने केज में ही मूव कर रहा है द टाइगर इज फुल ऑफ रेज बट ही इज क्वाइट इन हिज हेल्पनेस टाइगर बहुत गुस्सा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हेल्पनेस माने असहाय कुछ नहीं कर पाएगा और क्या इस पोएम में देख रहे हैं द पोइट इज मूव्ड टू पिटी फॉर द टाइगर यहाँ पर पोइट क्या करता है टाइगर के लिए दुख जता रहा है किस तरह वो कैद है जो आजाद रहना चाहिए कैद में पड़ा हुआ है इस पोएम में हमको एक पॉइंट मिलते हैं द पोइट सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल पोइट कहता है कि अरे काश जंगल टाइगर को तो जंगल में होना चाहिए इस तरह इंप्रेशन में सही नहीं है बट सैडली द टाइगर इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स इन्हें कंक्रीट सेल लेकिन दुख की बातें हैं कि टाइगर को क्या है ना कंक्रीट सेल में रखा गया है मैंने कैद करके रख दिया गया ये चीज़ को हम लोग इस पॉइंट में देखते हैं द टाइगर डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ द विजिटर और यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइगर अपने परेशान में पड़ा हुआ है अगर आप जंगल में देखेंगे टाइगर को देख लिए टाइगर तुरंत आपको झपकेगा दौड़ाएगा लेकिन यहाँ पर नोटिस नहीं कर रहा है इस चीज़ों को हम पॉइंट में देखते हैं द टाइगर इज नो लॉन्गर फ्री टू मूव इन हिज नेचुरल हैबिटेट और यहाँ पर टाइगर और आजाद